आईबीएन 7 और एडीआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने अलग अलग सांसदों का सर्वे कर उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है खास आपके लिए। इस सर्वे के आधार पर हमने सांसदों को 10 अंकों के पैमाने पर कई तरह की कसौटियों पर कसा है। आइए जानते हैं ऐसी तमाम कसौटियों पर अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर के काम को उनके क्षेत्र भटिंडा की जनता कितना अच्छा या खराब मानती है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर पहली बार 2009 में अकाली दल के टिकट पर बठिंडा से चुनकर संसद में आई। हरसिमरत टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। हरसिमरत के भाई विक्रम सिंह मजीठिया भी मजीठा से अकाली दल के विधायक हैं। संसद में पहली बार हरसिमरत ने अपनी मौजूदगी का एहसास 3 दिसंबर 2009 के अपने भाषण से कराया, जब वो 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों के बारे में मुखर होकर बोली। जनता के अपने माननीय सांसद तक पहुंच के मामले में हरसिमरत को 10 के पैमाने पर 3.59 अंक मिले हैं, तो चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर बठिंडा ने हरसिमरत को 10 में से 3.47 अंक दिए। कानून व्यवस्था को लेकर बठिंडा की जनता ने हरसिमरत को 3.49 अंक ही दिए। सार्वजनिक परिवहन सुविधा के नाम पर 3.54 अंक मिले, तो सड़कों के नाम पर 4.03 अंक है। स्कूल की सुविधा के मामले में 3.87 अंक मिले, तो पीने के पानी को लेकर हरसिमरत को 4.29 अंक मिले। जहां तक सांसद पर भरोसे का सवाल है, तो हरसिमरत को 3.63 अंक मिले हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर बठिंडा की जनता ने हरसिमरत को 10 में से 3.44 अंक दिए हैं। नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के मुद्दे पर 3.41 अंक। इन तमाम मुद्दों और कसौटियों पर बतौर सांसद हरसिमरत को 10 के पैमाने पर फाइनल रेटिंग मिली 3.62, यानी आधे से भी काफी कम, तकरीबन 3.5% से थोड़ा ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7।